रोहित जी ने, यह है रोहित, ये हमारे व्यूअर हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने कमेंट किया था कि भैया हमें आपके साथ घूमना है। यहाँ आने का हमारा कोई प्लानिंग नहीं था, प्लानिंग बनाया रोहित जी ने। यह है रोहित, ये हमारे व्यूअर हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने कमेंट किया था कि भैया हमें आपके साथ घूमना है, तो हम बोले कि चलिए इनसे कांटेक्ट किया और आ गए घूमने के लिए। कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप? आपका गाँव कहाँ है? सिंहाचौर पक्का कोट के पास में। तो सिंहाचौर के पास इनका गाँव है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, किए ना? हाँ हाँ। और ये कमेंट किए थे, चलिए आइए इधर आइए, ये कमेंट किए थे कि हमें आपके साथ घूमना है। हम इनसे कांटेक्ट किए और आज आ गए हैं घूमने के लिए। इनका मन था कि बलिया के खनवर और खाकी बाबा में घूमा जाए, तो आइए खाकी बाबा आपको भी घुमाते हैं। अभी हम अंदर आ चुके हैं, खाकी बाबा धाम के गेट से अंदर आ चुके हैं। अंदर आने के बाद, हालांकि मैं पहले यहाँ आ चुका हूँ, घूम चुका हूँ, यहाँ पे बहुत सारे शूटिंग भी किया हूँ, लेकिन अभी आए हैं हम रोहित जी के साथ घूमने के लिए यहाँ पे, और दिखाते हैं यहाँ का नज़ारा। देखिए और बताइए कमेंट में कैसा लगा। मंदिर के बाएं साइड में लक्ष्मी जी थी और दाहिने साइड में आप देखिए कौन विराजमान है। ये खाकी बाबा का गोल गोल वाला मंदिर है, इसी में खाकी बाबा है। फिलहाल गेट बंद है इसलिए हमें दर्शन नहीं हो पाए। आइए इनके साइड में दिखाते हैं कौन है। जय माता। और ये एक पेड़ है जिसके चारों तरफ देखे गए हैं धागा बांधा गया है, चुनरी बांधी गई है। पीपल का पेड़ है, हिंदू धर्म में इसकी एक अलग ही मान्यता होती है। दोस्तों, खाकी बाबा मंदिर से जैसे ही हम बाहर आते हैं गेट से, तो इधर एक तालाब है, स्विमिंग पूल टाइप का है, तालाब है काफ़ी अच्छा, और यहाँ पर लोग नहाते भी हैं। फिलहाल नहाना तो मना है, लेकिन लोग नहाते हैं, जो लोकल के हैं, जिनको तैरना आता है वो नहाते हैं। और यहाँ एक खूबसूरत दृश्य है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, आप देखिए ध्यान से। इधर एक लाइन से बत्तख बैठे हुए हैं, इधर कुछ छांव में हैं और सारे बत्तख एंजॉय कर रहे हैं। ये गेट हमेशा बंद रहता है, कभी कभी खुलता है। कृष्ण भगवान और राधा जी हैं बीच में और उधर सारे सामने शंकर भगवान हैं। यहाँ से निकलेंगे, यहाँ बहुत गर्मी है इसलिए जल्दी से आपको चल के दिखा देते हैं एक छोटा छोटा शॉट, उसके बाद चलते हैं। बस खाइल गए सब। सुंदर नज़ारा है, यहाँ की छोटी सी पुलिया है देखिए। तो दोस्तों, हम खाकी बाबा से अब निकल रहे हैं, घूम लिए, रोहित भाई को घुमा दिए। कैसा लगा घूम के? बहुत अच्छा। तो हम निकल रहे हैं और फिर से मोटर ब्लॉगिंग करते हुए वापस चलते हैं, और आइए दिखाते हैं इस बार कुछ अलग। आप लोग यहाँ आ चुके हैं तो कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की, हमें सपोर्ट करिए, तभी हम आप लोग के साथ पूरी दुनिया घूमेंगे। आप भी अपने दोस्तों को बोल दीजिए
सब लोग शेयर करो भाई लोग। दोस्तों थाकी बाबा निकल चुके हैं वापस और मोटो ब्लॉगिंग करते हुए राइड करते हुए चलेंगे। ये था थाकी बाबा और अभी हम सीधा चल रहे हैं बलिया की तरफ। आगे बढ़ेंगे, इनको छोड़ेंगे रोहित भाई को और हम बलिया चलेंगे। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और यू टर्न करते हुए सांप की तरह रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। हम आ चुके हैं मेन रोड पे, इधर नगरा जाएगा, इधर बलिया जाएगा और ये थाकी बाबा का गेट है। हम बलिया की तरफ मुड़ते हैं। दरोगा जी थे बिना पुलिस, दरोगा जी थे बिना नंबर प्लेट के। मेन रोड को छोड़ के अभी हम चौगड़ा के रास्ते से घूम चुके हैं जो हजौली होके और चिलकहर होके बलिया जाएगा। इस रास्ते पे हम घूम चुके हैं अभी और आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये रास्ता, हमें काफ़ी पसंद आया। हजौली से और इस रास्ते जो भी लोग आए गए हैं या इधर के जो है, एक कमेंट करिएगा जरूर। कितना प्यारा रास्ता है, सांप की तरह गोल गोल, इतना खूबसूरत लगता है देखने में। खाली खाली रोड, खुला आसमान और आसमान में बादल, कितना प्यारा सा एकदम टर्न, देखिए एकदम यू टर्न, फिर यहाँ से देखिए सीधे जाएंगे और फिर यू टर्न, एकदम सांप की डिजाइन में। क्या मुझे ही केवल ये रास्ता अच्छा लग रहा है, आपको भी लग रहा है कमेंट करिए ना, बताइए। देखिए फिर इधर आए, फिर यू टर्न, ये देखिए फिर सामने से टर्न। दोस्तों आ चुके हैं चिलकहर और रोहित भाई को यहाँ से हम बाय बाय करते हैं। यहाँ से कहाँ जाएंगे? अब मटी ही जाएंगे। यहाँ से चलते हैं हम बलिया। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब। रोहित भाई चले गए, हमारे सब्सक्राइबर थे। बाय बाय। अभी हम बलिया की तरफ दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं। अरे यार ये कैसे ढीला हो गया, इससे पहले कहीं चकनाते हैं दिक्कत करेगा। मैं अभी पहुंच चुका हूं फेफना के रेलवे क्रॉसिंग पे। इधर चितवड़ा गांव जाता है और इधर बलिया की तरफ, और फेफना के रेलवे क्रॉसिंग को अभी मैं क्रॉस कर रहा हूं। बलिया 12, छपरा 82, सासाराम 109। सबसे ज़्यादा सासाराम था, सासाराम बिहार में पड़ता है रोहतास ज़िले में। यह है फेफना का मेन चौक और यहाँ पे चार रोड, बक्सर बिहार, गाजीपुर बनारस की तरफ इधर, इधर नगरा की तरफ सीधा बलिया और हमारे पीछे मऊ की तरफ। मैं कपिलेश्वरी भवानी पहुंच चुका हूं। कृष्णा के आगे ये पड़ता है, यह माँ कपिलेश्वरी भवानी मंदिर है, काफ़ी फेमस मंदिर है ये। दोस्तों मैं बलिया के मालदेवपुर आ चुका हूं। तो आज की राइड आप लोग को कैसी लगी और आप लोग अगर हमारे दोस्तों, आप लोग के साथ हमें घूमना काफ़ी अच्छा लगता है। जो घूमना चाहता है हमारे साथ कहीं, वो कमेंट कर सकता है। अगर आप लोगों में से कोई आप लोगों के साथ मुझे घूमना काफ़ी अच्छा लगता है, जो मेरे साथ कहीं घूमना चाहता है वो कमेंट कर सकता है, मैं आपके साथ जरूर घूमना, मैं आपके साथ घूमना चाहूँगा, आपके साथ मैं आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहूँगा। आप कमेंट कर सकते हैं हमें, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो, कमेंट जरूर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे साथ देश और दुनिया घूमने के लिए। दोस्तों अगर आपको भी घूमने का शौक है और देश और दुनिया देखने का शौक है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं, एक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपसे संपर्क जरूर करूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी मैं बलिया पहुंच चुका हूं और जा रहा हूं अपने घर पर। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक न्यू राइड पर, एक नए अनजाने सफ़र पर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए।
अगर आप बलिया से हैं तो स्पेशली कमेंट करना ना भूलिए, और साथ ही साथ पूरी भारत की जर्नी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत जल्द मैं बलिया से पूरी भारत की जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और बलिया के इस शहर के नज़ारों का एंजॉय करिए।